फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सो दैट आपको अच्छे से अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रह सके और आप इन वीडियोस का लाभ ले सके। धन्यवाद। Hi dear students, welcome to Satyam Education Foundation YouTube channel. Dear students, I am Sunil Pradhan and in front of you. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर। गणित का फर्स्ट चैप्टर है, क्या आप बता सकते हैं? Yes, वास्तविक संख्या है। तो बच्चों, ये जो वास्तविक संख्या है, आप तो बचपन से ये जो नंबर से संख्याओं के साथ गणित में खेलते आ रहे हो, है ना? तो ये जो वास्तविक संख्या है, पहले इसके बारे में तो आपको बता दूं कि जो संख्या है, पहले तो अंक से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर 9 जो होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं और इन अंकों को यूज करके हम क्या बनाते हैं? संख्या, चाहे वो एक अंक वाले अंक संख्या हो, दो अंक वाले संख्या हो, ठीक है, 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये जो संख्या होते हैं, संख्या के समूह को हम अलग अलग समूह में विभाजित करते हैं। जैसे कि धनात्मक संख्या हो, अगर किसी संख्या के समूह के कैरेक्टर धनात्मक संख्या हो, धनात्मक हो तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। अगर धनात्मक के साथ जीरो आए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। धनात्मक जीरो और ऋणात्मक संख्या है तो हमें पूर्णांक संख्या कहेंगे। और धनात्मक जीरो ऋणात्मक के साथ साथ अगर भिन्न आए, पी बटे क्यू, जहां पे पी एलिमेंट ऑफ जेड एंड क्यू एलिमेंट एन आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो आठवीं तक बच्चों आपने परिमेय संख्या तक पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है, इन संख्याओं के समूह से सबसे बड़ी संख्या है, वह है वास्तविक संख्या। उसमें क्या होंगे बच्चों? परिमेय संख्या में जितने संख्या है, जैसे कि धनात्मक जीरो ऋणात्मक भिन्न, ये तो सारे आएंगे, इसके साथ साथ और एक संख्या के प्रकार आएंगे जो है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? तो पहले आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको 4 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, मैथ्स के पेपर में 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों, आपको बता दूं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या में क्या है। तो कुल मिला के वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया है, अब मैं बता रहा हूं इसमें हम क्या पढ़ने वाले। तो बच्चों, आपने यूक्लिड के बारे में सुना होगा। यूक्लिड जो वर्ड है, ये गणितज्ञ का नाम है, ठीक है, जैसे मेरा नाम सुनील है वैसे ही यूक्लिड जो है ग्रीक गणितज्ञ का नाम है। आपने छठी में पढ़ा होगा कि भागफल को, मीन्स अगर आप भाग करने जाते हैं तो भाग को सही है कि गलत है जानने के लिए एक हमारे पास एक फॉर्मूला था, जिसे भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल प्लस सहसम कहते थे। कौन सा था? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस सहसम। ये जो बच्चों आपने पढ़ा था, ये क्या है? ये यूक्लिड का ही नियम है। ये किसका नियम है? यूक्लिड का। तो बच्चों, दसवीं में यूक्लिड फिर से आ गए हैं और यूक्लिड के नियम के बारे में हम और कुछ चर्चा करेंगे कि उन्होंने वास्तविक संख्या के बारे में क्या कहा है। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर हम यूक्लिड विभाजन अल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन अल्गोरिदम पढ़ेंगे, अल्गोरिदम। और दूसरा है गणित के, अंक गणित के आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। तो बच्चों, समरी पूरा हम देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1 आज, ठीक है। वास्तविक संख्या के 4 प्रश्नावली है, उसमें से हम 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के हैं, बहुत सारे मीन्स क्वेश्चन है, लेकिन अगर टाइप के हम डिवाइड करें तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। हम 1.1 में यूक्लिड विभाजन अल्गोरिदम से रिलेटेड ये जो प्रमेय है, और ये बच्चों एक प्रमेय के ऊपर डिपेंड करता है, वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये यूक्लिड। तो यहां पे मैं 1 नंबर दे रहा हूं और यहां पे 2 नंबर दे रहा हूं, यहां पे हम इसको नहीं देखेंगे, हम पढ़ेंगे अभी 1.1 में इसे। तो यूक्लिड ने कहा, क्या कहा था? यूक्लिड विभाजन अल्गोरिदम जो है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के ऊपर डिपेंड है। तो चलो देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है।
तो बच्चों यूक्लिड मीन्स ग्रीक, अगर हम इन सारे ये जो सेंटेंस है, ये जो एक फ्रेज है, इसको अगर हम तोड़े, यूक्लिड मीन्स ग्रीक के गणितज्ञ, विभाजन मीन्स भाग करना, और प्रमेय का मीन्स होता है कि पहले से सिद्ध किया हुआ कथन, जिसे कि हम यूज करते हैं और किसी कथन को सिद्ध करने के लिए। तो बच्चों अब आया यूक्लिड विभाजन अल्गोरिदम क्या है। देखो यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन, देखिए ना ये अल्गोरिदम अलग सी वर्ड है। तो ये क्या है बच्चों, अल्गोरिदम जो होते हैं ये सुपरिभाषित चरण होते हैं। समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें प्रोसेस से जाना पड़ता है, प्रक्रिया से जाना पड़ता है। तो चरण एक, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये जो सुपरिभाषित पहले से ही परिभाषित होते हैं, इन चरणों को क्या कहेंगे हम, एल्गोरिदम। तो बच्चों यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके 1.1 में, जो कि हमारा पॉइंट है 1.1 में प्रश्नावली, इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम दो चीजें देखेंगे। एक तो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसे हम अभी नहीं देख रहे, ये 1.2 से आएगा। ये 1.1 वाला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, पहले की बड़ी संख्याओं का मौस, क्या बड़ी संख्याओं का, संख्याओं का मौस, और ये दूसरा होता है कि कोई भी पूर्णांक को, कोई भी पूर्णांक संख्या को, संख्या को कैसे, संख्या को कैसे अलग अलग स्वरूप में दिखा दर्शाए, अलग स्वरूप में दर्शाए, ठीक है बच्चों। तो ये होने वाला है हमारा 1.1 में। तो टू टाइप्स के सवाल आएगा, टाइप वन, ये टाइप वन क्वेश्चन 1.1 में, और ये टाइप टू। तो हम ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे अनुशीलन में, प्रश्नावली में, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो फर्स्ट होता है बड़ी संख्याओं का मौस, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली वन में, देखिए टाइप वन और टाइप टू के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है मौस ज्ञात करना, ठीक है, बड़ी संख्याओं का मौस, और किसको यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, मेथड है, आपने पहले से ही पढ़ चुके हो, इसे लंबी विभाजन प्रोसेस भी, पद्धति भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मौस का आपको मतलब बता दूं, मौस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कोई भी ऐसी बड़ी संख्या, अगर किसी दो का HCF निकालना है, अगर समझ लो एक एक बैरल में 20 लीटर पानी है, दूसरे बैरल में 50 लीटर पानी है, आपको ऐसी एक बड़ी बाल्टी लाना है, बुकेट लाना है, जिससे कि 10 बैरल पानी भी खत्म हो सके पूर्ण बार में, ठीक है, आधा अधूरा ना रहे, और 50 लीटर भी खत्म हो सके। तो ऐसे बड़ी हमें भाज्य ढूंढना है, ठीक है, मौस में, कि दोनों को विभाजित कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मौस कैसे हम एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में होगा 225 और 135 का, 225 और 135 का हमें क्या निकालना है, मौस निकालना है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं जो लंबी विभाजन पद्धति है उसको भी पकड़ूंगा, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो है उसी के ऊपर आधारित है, ठीक है, ये हम रफ में करेंगे समझने के लिए, और ये जो है फेयर पे करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, आंसर, आंसर कैसे करेंगे ना, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ी वाला कौन सा है ना, 225 ग्रेटर देन 135, तो जो ग्रेटर देन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 225, यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 225 इज इक्वल टू 135, जो छोटी संख्या है उसको किसी एक संख्या से गुणा करेंगे और किसी एक संख्या से जोड़ करेंगे। तो कैसे हमें पता चले ना, यहाँ पे हम करते हैं 225 को भाग तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो 225 135 से 135 एकम 135, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 से 5 0, 12 से 3 गया तो 9। तो बच्चों यहाँ पे जो 90 आया और यहाँ पे कितना आया, 1 आया, ठीक है, मैं राउंड कर रहा हूँ अलग पेन से, 1 और 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, ब्लैंक पेन यूज करता हूँ इसके लिए, 1 और 90। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में 135 जो है यहाँ पे आएगा, 90 जो है यहाँ पे आएगा, इक्वल के स्थान पर इक्वल रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 135, यहाँ पे आ जाएगा 90। अभी 90 को, अभी 90 को किससे, 135 को हम, ये जो है यहाँ से प्रोसेस नहीं, यहाँ पे आना वाला है, ठीक है, 135 को हम 90 से भाग करें, कैसे भाग करेंगे,
कुछ ये भी बचना चाहिए, ठीक है, कुछ आर भी बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 है तो 91 जा 90, अलग पेन मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 5 से 0 गया तो 5 और 13 से 9 गया तो 4, 45। तो यहाँ पे 45 आ गया। यहाँ पे हम थोड़ी सी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, पहले आप स्क्रीन शॉट हो तो ले लीजिएगा। यहाँ पे अभी उतरेगा ये 90, ये यहाँ पे उतरेगा अभी ये जो 90, ठीक है, 90 उतरा, रेड पेन से कर दे रहा हूं, 90 यहां से उतरा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 90। तो 45 के टेबल में 90 कहां पे ना, 45 टू जा 90, देखो यहाँ पे 0 आ गया, वी आर सक्सेस, हम यहाँ पे सक्सेस हो गए। क्या लेने पर, क्या भाजक लेने पर, b इक्वल टू क्या लेने पर हमारी जो शेष है आर है 0 आए, उसे हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे 45 90 90 से क्या होगा 1, तो यहाँ पे कितना बच्चा 45। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, 90 आएगा इधर, 45 आएगा इधर, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 45, तो 45 को कहाँ, किससे गुणा करके, किससे हम जोड़ करें, यहाँ पे R होना चाहिए, यहाँ पे B होना चाहिए, ठीक है। तो हमें मिल गया 45 गुणा 2 प्लस 0। तो क्या लेने पर, यहाँ पे हमें देखना है कि क्या भाजक लेने पर हमारी ये जो है सेस आर जो है 0 बन रहा है। तो यहाँ पे मॉस कितना होगा बच्चों, देयरफॉर मॉस इक्वल टू मॉस किसका 225, हम साइड पे लिखना चालू करते हैं, देयरफॉर मॉस ऑफ 225 एंड 135, 225 एंड 135 इज 45, दैट्स ऑल, आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे है बच्चों, ये जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, आपको दोनों तरफ से ये जो है बार बार आपको करना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों जो यूज हुआ है आपको बता दो, यूक्लिड एल्गोरिथम। अब जो बच्चों सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, हमने बताया था कि पूर्णांकों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाना है, ठीक है, यूक्लिड ने ऐसे बताया था कि पूर्णांकों को जो धन पूर्णांक होते हैं उन्हें अलग अलग स्वरूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक विधि से। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि जो सेकंड टाइप्स की क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे टाइप में लिख दे रहा हूँ, शायद आपके सेकंड क्वेश्चन में भी यही है। तो दर्शाए कि कोई भी धन विषम पूर्णांक, ठीक है, धन हो विषम हो, विषम मीन्स आपको पता है जो दो से भाग नहीं हो, तो धन विषम पूर्णांक कौन से स्वरूप में हो सकते हैं ना, 6q अथवा 6q प्लस 1 अथवा 6q प्लस 3 स्वरूप में हो सकते हैं। तो बच्चों इसको कैसे हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, पॉइंट वाइज पॉइंट आप देखते चलो। तो पहले हम क्या करेंगे, आंसर हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, यहां पे करेंगे यहां। तो यहां से स्टार्ट कर दे, माना कि कोई एक धन विषम नहीं लेंगे, खाली धन पूर्णांक संख्या इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है, यहां पे भाज्य इक्वल टू ए हम लिख लेंगे, भाज्य लिख लेंगे, ये भाज्य है, इसको हम क्या मान लेंगे, ए है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी पार्ट ले रहा हूं, तो ए है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी पॉइंट नंबर 1 था, अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड देखते रहो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार कोई भी धन पूर्णांक का स्वरूप हमें पता है a इक्वल टू bq प्लस आर स्वरूप में होता है, जहां ये जो आर होता है ये जीरो से बड़ा या तो उसके समान होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तब हम थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे, नहीं यहां पे ही लिखेंगे कि यहां पे देखो कोई भी 6q प्लस 1 6q प्लस 3,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है समझ लो भागफल है। क्या है? भागफल है। तो ये क्या हो गया सेंस, सॉरी ये हो गया भाजक, सॉरी ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल, ठीक है। और यहाँ पे आर कुछ नहीं तो जीरो है। यहाँ पे क्या, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और यहाँ पे ये हो गया आर। यहाँ पे भी क्या होगा, ये हो गया बी, ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया आर। तो ऐसे बच्चों हमें पता है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जहां हमें पता चल गया है कि भाई जो बी है इक्वल टू क्या है, सिक्स है। तो बी इक्वल टू सिक्स होंगे तो आर क्या होंगे, देखो आर क्या होंगे, बी से छोटे होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं हो सकते। देखो यहाँ पॉइंट नोट करो, b इक्वल टू सिक्स मैंने क्या क्यों लिया, क्योंकि ये भागफल होता है और बाजू जो पहले होता है भाजक होता है और बाद में जो गुणा होकर उससे होता है वो होता है भागफल, ठीक है। यहाँ पे देखो भाजक भागफल भागशेष, भाजक भागफल भागशेष। तो यहाँ पे सिक्स क्या हुआ, भाजक। तो यहाँ पे भाजक सिक्स होने से जो r होंगे वह क्या होंगे, सिक्स से छोटे होंगे। तो सिक्स से छोटे होंगे तो कौन से होंगे, आर इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट क्या होगा, तो तब धन पूर्णांक संख्याएं कौन से होंगे, संख्याएं उनकी लिस्ट बनाते a इक्वल टू क्या हो सकता है, सिक्स सिक्स क्यू प्लस सिक्स क्यू प्लस जीरो हो सकते हैं या तो सिक्स क्यू प्लस वन हो सकते हैं। देखो r यहां पे हमने लिया है, r क्या हो सकता है, जीरो से पांच तक हो सकता है। a इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस टू, a इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस थ्री, a इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फोर, a इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो यहां पे क्या होगा, देखो बच्चों यहां पे हमने a कौन से प्रकार में हम दर्शा सकते हैं लिख दिए, लेकिन यहां पे क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि धन विषम पूर्णांक हो, धन विषम पूर्णांक हो, तो यहां पे जो है सारे हमने स्वरूप लिखे, ये बेसम और सम दोनों आ जाते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि दो से भाग करने की कोशिश करते हैं, जो दो से भाग हो जाएगा वह सम पूर्णांक हो जाएंगे और जो बच जाएगा वे हो जाएंगे विषम पूर्णांक। तो हमें देखना है कि सच में 6 क्यू 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 है क्या। तो चलो लेट्स हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 6 प्लस 0 6 क्यू प्लस 0 है, तो 6 क्यू प्लस 0 यहाँ पे अगर है ना, 6 क्यू प्लस 0 सामने ही अगर कर दूं बच्चों ठीक रहेगा, a इक्वल टू यहाँ पे 6 क्यू प्लस 4, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे चलो करते हैं 6 क्यू प्लस 0, तो 0 है तो क्या हो गया 6 क्यू, चलो 2 से भाग करते तो आराम से भाग हो गया, क्या हो गया 3 क्यू। देखो ठीक है 6 क्यू प्लस 0 तो यहाँ पे कितना हो गया 3 क्यू, तो 2 से भाग हो जाता है इसलिए ये क्या होगा, धन पूर्णांक, जो सम धन पूर्णांक है विषम धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। क्यों, 2 से भाग हो गया, ये जो संख्या है 2 से भाग हो गया इसलिए हम इसे धन विषम पूर्णांक नहीं कहेंगे, हम 2 से भाग हो जाने से सम विषम सम धन पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखो कॉमन निकालेंगे तो भी क्या निकालेंगे, नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं कैसे होता है कि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 2 देखते हैं ये 2 से भाग होता है कि नहीं, तो 2 कॉमन निकलता है बच्चों यहाँ पे, तो 3 क्यू प्लस 2 बटे 2 देखो ये हो गया। तो ये 2 से भाग हो जाने से ये जो है सम धन पूर्णांक है, ठीक है, ये भी क्या है सम धन पूर्णांक। तो विषम धन पूर्णांक कौन सा बचा, ये एक बचा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये जो 6 क्यू प्लस 1 है बच्चों, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 होगा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। 6 क्यू प्लस 0 नहीं हुआ, यहां से पता चल गया देखा ना, तो 6 क्यू प्लस 5, तो यहाँ पे अगर हम इसको करें फिर से, तो 6 क्यू प्लस 4 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो कॉमन निकल जाएगा 3 क्यू प्लस 2, तो 2 कट जाता है, तो इसे भी हम क्या विषम धन पूर्णांक नहीं कहेंगे, ठीक है, सम धन पूर्णांक है। तो बचाइए, तो देखिए हमें कौन से लिस्ट में मिल गया, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 और a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, तो ये तीनों हमें मिल गया। देखो ये बराबर ये जो बराबर ये और ये जो बराबर ये, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से दिखा दिया, अब आई वी में लिख देना है, देयरफॉर आई वी में आपको ये लिखना है, यहां 6 क्यू कॉमा 6 क्यू प्लस 2 कॉमा 6 क्यू प्लस 4
दो से विभाजित होने से, विभाजित होने से ये सम धन पूर्णांक है। therefore लास्ट में therefore 6q+1 6q+2 3 6q+5 ये क्या है? विषम धन पूर्णांक। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए बहुत ही अच्छे से समझा गया है, 4 पॉइंट में होता है। फिर से बता दूं आपको, पहले तो जो संख्या है आपको भाज्य ए लेना है, ठीक है? आपको बोला है कोई भी विषम धन पूर्णांक हो, कोई भी विषम धन पूर्णांक हो आपको 6q+1 6q+3 6q+5 में दर्शाना है। तो हमने पहले भाज्य ए मान लिया, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कोई भी जो पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, ये क्या होते हैं? बी क्यू प्लस आर के स्वरूप में होते हैं। तो b बराबर अगर 6 ले लिए, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो b बराबर अगर हम 6 ले लिए तो r क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। कहां से पता चलता है? यहां से पता चलता है, ठीक है? तो हमने सारे धन पूर्णांक जो है उसके स्वरूप निकाले, यहाँ पे 6q+0, ठीक है? ये जो है पूरे पूरे के पूरे हमने पार्ट जो लिया है ये यहां से लिया है, ये 6 नहीं 5 तक। कहां से लिया है? यहां से लिया है। तो क्या होंगे? 6q+0 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5, और 6 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन होना चाहिए 6 से, ठीक है? तो यहाँ पे हम फिर से देखें, भाग करके देखें, कॉमन निकाल के हमने 2 से भाग किया, जो जो हो जाते हैं वह है सम धन पूर्णांक, और जो नहीं हो रहे हैं वह है विषम धन पूर्णांक। और हमने लास्ट में ऑब्टेन किया कि सच में जो विषम धन पूर्णांक होते हैं वह 6q+1 6q+3 और 6q+5 के स्वरूप में होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।